अब तेज टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रवक्ता जो मनीष दोषी जी हैं और काफ़ी कांग्रेस पार्टी के ये करकमलों के द्वारा रहते हैं और एग्रेसिव रहते हैं, आज उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन के मुद्दे पे। नमस्कार मनीष भाई, आपको नमस्कार। मनीष भाई, जैसे कि 26 सीट है, सिटी में आपका प्रचार कम दिखने को मिलता है रूरल ग्रामीण में, और आजकल बीजेपी भी ग्रामीण में ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, उसका कारण क्या? जहाँ तक सवाल है गुजरात के, आप गांधी सदा की भूमि से ये प्रश्न मुझे पूछ रहे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहरी और गरीब जैसा रहा ही नहीं, क्योंकि भाजपा के राज में सभी लोग परेशान हैं, शहरी हो तो ग्रामीण हो, सब लोग परेशान हैं, चाहे महंगाई का माल हो, चाहे महंगी शिक्षा की बात हो, आरोग्य सेवा तहस नहस हो गई है और किसान बहुत परेशान है। अब गांव में पकेगा ही नहीं तो शहर में आएगा क्या, और शहर के लोग खाएगा क्या? कांग्रेस पक्ष का सवाल है, कांग्रेस पक्ष का सवाल है, कांग्रेस पक्ष को वो दिखाने के लिए कहीं ना कहीं जगह पे वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, हर जगह पे हमको जन समर्थन, जन आशीर्वाद मिल रहा है, और इसके पीछे कांग्रेस की मेहनत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, साथ साथ में भाजपा की भ्रष्ट नीति रीति, भाजपा के जो जुमले वाली नीति थी, वादे की नीति थी, वो वादा खिलाफी के सामने पूरे गुजरात में लोगों की आक्रोश और अजंपा है, और लोग आक्रोश और अजंपा के साथ भाजपा से बहुत निराश है, भाजपा से परेशान है और भाजपा की नीतियों से परेशान है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में आप हमारा नतीजा देखेंगे, 23 तारीख को मतदान है, 23 तारीख के बाद 23 मई को जब नतीजा आएगा तब आप देख लेना कांग्रेस के खेमे में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता थी जो प्रियंका चतुर्वेदी, वो राजीनामा राहुल गांधी को भेज दिए हैं, क्या इसमें? जहाँ तक सवाल, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बहुत लंबे अवसर तक कांग्रेस के एग्रेसिवली, हमारी बड़ी बहन के नाते इसने बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए काम किया, लॉजिकल तार्किक रूप से वो कांग्रेस का पक्ष रखने वाली है, पढ़ी लिखी है महिला, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ने के लिए ये हुआ है, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, पर इतना मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, मैं इसका सम्मान करता हूँ, इसकी वाणी से समूह माध्यमों ने इसने जो कांग्रेस का पक्ष रखा बड़ी अच्छी तरह रखा, आक्रामक रूप से रखा, और कांग्रेस के लिए इसने काम भी अच्छा किया है, मैं इसमें दो राय नहीं है, कुछ व्यक्तिगत तौर पे इसको स्थानिक से इसका समीकरण होगा, इसकी वजह से इसको पार्टी के लिए ऐसा किया होगा। मैं आपके माध्यम से भी विनती करता हूँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी प्रियंका जी को बोला है, प्रियंका जी आप जैसी होनहार महिलाएँ को कांग्रेस की पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। गुजरात के 26 सीट हैं, उसमें 26 सीट में से आपको कितना लग रहा है जो कि कांग्रेस द्वारा जीतने जा रही है? 2004 में किसी ने नहीं सोचा था कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली, 2009 में किसी ने नहीं सोचा था कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली, फिर एक बार कांग्रेस खड़ी हो रही, क्योंकि भाजपा के जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, आज देश के 130 करोड़ नागरिक और गुजरात के 6 करोड़ नागरिक को ये पता चल गया है कि मोदी जी ने जो वादा किया था इससे वो मुकर गए हैं, मोदी जी ने जो बात रखी थी 15-15 लाख हर के अकाउंट में आएगा, किसानों की आय दुगनी होगी, शिक्षा मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, आरोग्य सेवा मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और महंगाई कम होगी और आर्थिक पटरी पे कांग्रेस भारत देश आगे तरक्की करेगा, ये सब कुछ उल्टा हो गया, देश आर्थिक तरक्की की जगह पे आर्थिक अधोगति में आ गया, हमारा जो रुपया था इसका इतना अवमूल्यन हो गया, मोदी जी की उम्र को भी पार कर गया, आडवाणी जी की उम्र को भी पार कर गया। मैं मानता हूँ कि ये सब भाजपा की नीतियों की है, और साथ साथ में जहाँ तक सवाल है महंगाई का मार, चाहे सामान्य वर्ग हो मध्यम वर्ग, सबको परेशानी है। यहाँ का लोकल नेता जो ठाकुर सेना में से निकले हुए और कांग्रेस पार्टी में आए थे अल्पेश ठाकुर, वो कितना लगता है जो कोई आपको कुछ लॉस करेंगे या प्लस में जाएंगे? मैं मानता हूँ कांग्रेस पक्ष के पंजे के निशान से राधनपुर से वो विधायक के रूप में गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और नॉर्थ उत्तर गुजरात में कांग्रेस का बड़ा जन समर्थन, जन आशीर्वाद है। जहाँ तक सवाल है अल्पेश ठाकुर जी का, अल्पेश ठाकुर जी को कांग्रेस ने विधायक बनाया, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय सचिव बनाया, कांग्रेस ने इसको महत्व के पद पे नियुक्त किया गया, और अल्पेश ठाकुर जी ने कांग्रेस को क्या दिया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं भी दुखी है कि क्यों ऐसा किया हुआ ऐसा, और आपको मैं बताता हूँ प्रजा के साथ जो द्रोह करता है, पक्ष के साथ जो द्रोह करता है, इसका आपने देखा होगा, जो भी लोग भाजपा में गए इसकी हालत अभी क्या है, कहाँ है, इसकी पहचान कहाँ गई है, वो व्यक्ति है कि नहीं किसी को पता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें
लोग बड़े होते हैं पक्ष की वजह से, व्यक्तिगत तौर पे किसी का बहुत होता नहीं है। नहीं, अल्पेश ठाकुर ने ये बात बताया जो कुछ टिकट के बंटवारा में हमारे विमुख हुए, इसके लिए विमुख होकर के बाहर निकले इसका। मुझे लगता है कि जब जब कोई लोग पार्टी से अपना अपना मकसद पा करने के लिए जब जब निकलते हैं, तब अपना मकसद पाने के लिए वो कांग्रेस पे आरोपनामा लगाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना बड़ा पद पे रखा गया था, आपको सब बात पूछी गई, क्या कांग्रेस में व्यक्तियों को पूछना है कि कार्यकर्ताओं को पूछना है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछती है, हमारे पदाधिकारियों को पूछती है, हमारे लिए मापदंड है चुनाव में टिकट देने का, और टिकट के लिए जहाँ जहाँ कोई ठीक लगा वहाँ सबको दिया, इसका सुझाव सबका लिया जाता है, वहाँ किसी के कहने पर टिकट मिल जाए ऐसा नहीं होता, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में सबको पास होना पड़ता है, और चयन प्रक्रिया के मुताबिक वहाँ कौन की जीत की शक्यता है, कौन किसको दिया जाता है टिकट, वो पक्ष के नेतृत्व तय करता है। आज कपिल सिब्बल जी आए थे और सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे थे कैश पे, तो ये सीडी कहाँ से उपलब्ध हुआ, कब हुआ, पहले हुआ था कि आज ही हुआ, दो चार दस दिन में पहले? किसी पत्रकार के जो मैंने देखा, अभी पत्रकार परिषद खत्म हुई, कपिल सिब्बल जी ने जो पत्रकारों के सामने बात रखी पत्रकार परिषद में, वो वार्तालाप में पूरा जो दिखाया, वो स्टिंग ऑपरेशन किसी पत्रकार ने किया है, मैं मानता हूँ इसमें वेबसाइट भी दी गई है, वो वेबसाइट पे वो सब उपलब्ध है, पर मेरा तो आपके माध्यम से ये पूछना है, क्या इस देश के आम लोग जिसने मेहनत किया, परेशानी किया, जिसने दिक्कतें झेली, अपनी मेहनत की कमाई, क्या लूटने का सरकार को अधिकार है? इस राज्य में और राष्ट्र में जो लोगों ने 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी परेशानी झेली, मौत के घाट उतर गए, लाइन में खड़े खड़े होके निधन हो गया, क्या ये वापिस आएगा? जिस परिवार का बेटा गया, जिस परिवार का बाप गया, जिस परिवार का भाई गया, जिस परिवार की माँ गई, जिस परिवार की दादी माँ गई, क्या मोदी सरकार इसको वापिस कराएंगे? आपने जो नोटबंदी के नाम पे इस देश को जो वादा किया था, आतंकवाद बंद हो गए, नकली नोट का कारोबार बंद हो गए, काला धन खत्म होगा, अरे भाई सच बताओ, इस देश के 130 करोड़ नागरिक जानना चाहते हैं आपका मकसद ही पहले से क्या था, आपकी नीति और नीयत साफ नहीं थी, आपने 130 करोड़ नागरिकों को काला धन से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं की थी, आपने काला धन से मुक्ति दी इसलिए की थी, आपने वो उद्योगपति अपने चाहे थे जो भागीदार थे आपकी प्रसिद्धि के लिए, जिसने पैसे रोके थे आपके प्रचार में, वो लोगों को फायदा दिलाने के लिए आपने ये नोटबंदी का नाटक किया। मैं बहुत गंभीरता से और प्रतिबद्धता से कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ, नोटबंदी का नाटक करके अपने चाहे थे उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये का मुनाफा किया है, इसको ब्लैक मनी को वाइट कराने में मदद की है, वो प्रधानमंत्री जी का ये नीति और नियत साफ नहीं है, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, काला धन को सफ़ेद हो गया, और वो किसका हुआ, जो अपने 100 200 300 लोग थे अपने चहे थे उद्योगपति, इसको सिस्टम में पैसा लाया गया, और गरीब लोग, खेत मजदूर, आम श्रमिक, देश के छोटे मोटे कारोबारियों और छोटे मोटे जो सर्विस पीपल है, और देश में जो महिलाएं थी अपनी बचत कर रही थी, वो महिलाओं के बच्चे बचत पे और आम लोगों के जेब पे आपने काटा है, लूटा है, ये मेरा सीधा आरोप है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनीष भाई, आपने काफ़ी बात बताया। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार और प्रवक्ता मनीष दोषी जी, और देखते रहिए नवतेज टीवी, और कैमरामैन पीयूष भाई के साथ ललित चौधरी अहमदाबाद से।